हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। मेरा नाम है आंचल त्यागी और ये है बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर जो कि हमने टारगेट करके बनाया है आपके जीआईसी के लिए, जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है अभी यूपीपीसीएस के माध्यम से, उस एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ यूपी में जो आपका पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का स्पेशली, उस एग्जाम के लिए। ये वीडियो आपकी तीनों ही पेपर्स के लिए समान रूप से लाभदायक है। एक्चुअली इससे पहले जो हमने वीडियोस अभी चैनल पर अपलोड की हैं उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वो टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन फुल कंसेप्चुअल ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने पूरे कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं या डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है आज की वीडियो का दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आज के मेनली हमारे टॉपिक रहेंगे जिसको ध्यान में हम रखेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके अलावा स्टेमन का स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, या जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके साथ आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजफुल एक प्रोसेस की पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, पोलन कैसे बनते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें फ्लावर्स देखने को लिए हमको मिलते हैं। इससे पहले जितने भी ग्रुप्स होते हैं, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म्स, उनमें हमको फ्लावर देखने के लिए स्पेशली नहीं मिलते हैं। तो अब फ्लावर होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। अगर एक मैं जनरल सा आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से एक प्लांट होता है कि नीचे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ जमीन से नीचे उसकी स्ट्रक्चर होगी, पार्ट होगा, ये हमने डिवाइड कर लिया, जमीन है, जमीन से नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये ऊपर है, ठीक है। इसमें कुछ आपकी लीव्स भी आ जाती हैं और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स, जो कलरफुल सी एक सुंदर सी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, इसको हम फ्लावर बोलते हैं। तो जो पार्ट प्लांट का जमीन के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं रूट, ओके। जो आपका पार्ट प्लांट का ऊपर है जमीन के, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं शूट, ओके। देखिए, रूट में आपकी रूट ही आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन शूट में जो है आपकी स्टेम आ जाता है, साथ ही साथ लीव्स आ जाती हैं, पत्तियां, इसके अलावा जो आपका फ्लावर है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। हर एक प्लांट पार्ट का अपना एक फंक्शन है, जैसे रूट का काम है मिनरल लेंगी, न्यूट्रिशन लेंगी, वाटर लेंगी और कहाँ पहुंचाएंगी, किचन तक पहुंचाएंगी प्लांट्स की, दैट इज पत्तियां जो लीव्स हैं वहां तक पहुंचाएंगी। उनमें एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम किचन बोलते हैं लीव्स का, वहां पर ले जाएंगी। यहाँ पर क्लोरोफिल है पहले से, सनलाइट प्लांट ले रहा है और क्या करेंगे, बैठकर खाना बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे। इस वजह से हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट भी बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा ये बात, तो कि प्लांट्स की जो प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रिशन के बेस पे वो होती है ऑटोट्रॉपिक्स। प्लांट हमारे ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे पर अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए निर्भर नहीं है, ठीक है। अब प्लांट का में इसका काम तो ये हो गया। अब स्टेम एक माध्यम है हर चीज के लिए, ओके। इसमें टिश्यूज हैं, प्रेजेंट जाइलम है, फ्लोएम है, सारी जगह जो खाना ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे, उनका काम ये है। पत्ती का काम है कि वो साइट हो गई जहां पर खाना बनने वाला है। ये जो फ्लावर बचता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, यहाँ मैंने ब्लैक से दिखाया बट होता है कलरफुल ही है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहना, मतलब तैयार करना प्लांट को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, इस फ्लावर का प्लांट फ्लावर का काम
काम होता है ये। अब क्यों करना है इसको, क्योंकि इसको भी अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है। हर जीव जो भी इस धरती पर है उसका काम है कि खुद को वो स्ट्रोंगेस्ट स्टेज में रखे, खुद को इवोल्व करता रहे और आगे आगे अपनी जनरेशंस को पास करता रहे। तो इस प्लांट को भी क्या करना है, अब अपने सीड बनाने हैं, सीड बना के नया प्लांट पैदा करना है। तो इसका काम ये है बेसिकली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी से सारा रिलेटेड है हमारा। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमको देखने के लिए मिलती हैं, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये इसमें फीमेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट हो गया, इसका काम ये है और इसका काम ये है, इस तरह से। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमें जो डायग्राम दिखाया गया है उसको नीचे से मैं अगर शुरू करूं कि एक फ्लावर जो है एक जिस बेस पर लगा होता है, सबसे नीचे एक डंडी होती है ना, इस पर लगा होता है, उसको बोलते हैं हम पेडिसल। ठीक है, वो होती है आपकी पेडिसल। पेडिसल के ऊपर ये जो पार्ट है जिसके ऊपर सारी स्ट्रक्चर्स आके टिक जाती हैं, जो एक बेस देता है एक फ्लावर को, हर एक स्ट्रक्चर को रहने के लिए, एक फूला हुआ सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। जितनी भी अब आगे की स्ट्रक्चर है ये इस थैलेमस के ऊपर लगी हुई होती हैं, वो पार्ट थैलेमस के ऊपर लगे हुए हैं सारे। अगर मैं शुरू करूं तो देखिए यहां से सबसे पहले बात करते हैं सेपल्स की। ये हरे कलर की छोटी छोटी जैसे पत्तियां होती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेपल। इनका काम क्या था एक्चुअली, अब फ्लावर में इनका काम नहीं है, लेकिन जब ये कभी एक कली हुआ करता था, एक बर्ड हुआ करता था इस तरह से, तो ये जो सेपल्स थी छोटी छोटी सी, लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो ये जो सेपल्स थी इनका काम था इसको सुरक्षा देना। ये सेपल्स इसके चारों तरफ इस तरह से प्रेजेंट थी, बंद करके इसको कवरिंग के अंदर रखती थी, प्रोटेक्ट करती थी किसको, बर्ड को। ठीक है, तो सेपल्स क्या होती है, वो प्रोटेक्शन कवरिंग होती है जो कि एक बर्ड में हमारी फंक्शनल होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी, बात करते हैं हम थैलेमस, ये फूला हुआ पार्ट, इसकी बात कर चुके हैं हम, दैट इज थैलेमस। ठीक है, इस थैलेमस के ऊपर जो ये बीच वाला पार्ट है जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं यहां तक ऊपर तक, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। दूसरा नाम इसका कार्पल भी होता है, ओके। तो इसका ये है पिस्टिल, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए बस ये पिस्टिल है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है और ये जो लंबी सी स्टाफ जो डंडी है उसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों पिस्टिल के ही पार्ट है। इसके अलावा साइड में हमें बहुत स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रही हैं जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर में दो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगी हमें, फर्स्ट इज फ्लामेंट, ये जो वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है फिलामेंट, और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लगी हुई है इस तरह से, ये क्या है, ये है हमारा एंथर। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली, जैसे हमने स्टिग्मा स्टाइल और ये नीचे ओवरी भी थी, इसको कलेक्टिवली बोल दिया पिस्टिल या कार्पल, इस तरह से एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन होते हैं एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा पिस्टिल कार्पल, ओके, जिसके एक पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओके। देखिए अब ये थैलेमस पे नीचे लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर ये ओवरी है जिसके अंदर हमारे ओव्यूल भरे हुए होते हैं, साइड में नेक्टिफेरियस एरिया है। नेक्टिफेरियस एरिया का काम है नेक्टर प्रोड्यूस करना, जो नेक्टर आपकी हनी बीज इकट्ठा करके ले जाती हैं, शहद बनाती हैं, वो नेक्टर जो स्वीट होता है, जिसके झांसे में आके यहाँ पर कीड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प कर जाते हैं, वो नेक्टर इस एरिया के थैलेमस के अंदर ओवरी के चारों तरफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ओके। ये कलरफुल स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी सी पत्तियों जैसी, पत्ती तो नहीं है, मतलब पत्तियां तो ग्रीन कलर की आ जाती हैं, लीव्स जिनको बोलते हैं, पर इनको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या स्ट्रक्चर है? ये है हमारी पेटल्स। ठीक है, तो शायद सारे ही आपके कवर हो चुके हैं
फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। मेन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो चार पार्ट ऐसे हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं मेन पार्ट में, कि प्लांट्स में चार पार्ट मेन होते हैं। फर्स्ट वन इज पेटल, दूसरा है सेपल, तीसरा है पिस्टिल, ये जिसको अभी हमने कार्पल बोला, एंड फोर्थ है स्टेमन, जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी शायद, क्योंकि ये सारी हमारी बेसिक सी चीजें थी। अब देखिए, हमें कुछ और टर्म्स और देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो वो क्या होती हैं? अब ये जो पेटल है, इसमें डायग्राम में देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेटल है पूरे फ्लावर में, यहाँ पर मोर देन वन पेटल देखने के लिए मिलती है, हमें ग्रुप देखने के लिए मिलता है पेटल्स का। तो जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। इसी तरह सेपल जो है वो भी एक नहीं है, सेपल्स का भी ग्रुप है। तो जो सेपल्स हैं उसके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये टर्म्स भी हमें देखने के लिए मिलती है, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कोरोला क्या है, कैलिक्स क्या है, पेटल क्या है, सेपल क्या है। तो सबसे पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट सा, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप में है। इसी तरह से पिस्टिल, या जिसका अभी मैंने एक दूसरा और नाम बताया था कार्पल, इसके ग्रुप को बोलते हैं हम गाइनोशियम। ओके, पूरा फीमेल पार्ट एक कलेक्टिवली गाइनोशियम, एंड स्टेमन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ पार्ट्स के नाम देखे हैं, ग्रुप में क्या बोलते हैं ये हमने जाना है। इसके बाद हमें जो आज टॉपिक मेनली क्लियर करनी है, ये एक बेसिक चीज थी जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए फ्लावर्स में। इसके बाद जो आज के हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं वो है स्टेमन की स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे पोलन कैसे बनते हैं आपके, कौन सी स्ट्रक्चर है जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, इस सब के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आपके निगाहों से बच जाए या फिर आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। देखिए, मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं स्ट्रक्चर एंथर की, या स्टेमन की, सॉरी एंथर की नहीं, स्टेमन की, तो जो स्टेमन है उसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। सबसे नीचे होगा एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फ्लामेंट, ओके और इसके ऊपर प्रेजेंट होगा हमारा एंथर, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं इसको, किसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये स्टेमन की, ओके। इस पार्ट को हम बोलते हैं जो डंडे जैसा पार्ट है, जो डंडी जैसा पार्ट है जिसका काम है स्टेमन को थैलेमस से जोड़ के रखना, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो एक आपका बन जाता है पॉइंट कि जो पार्ट आपके मेल गैमिट का, सॉरी मेल गैमिट नहीं, मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका जो पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है वो होता है फ्लामेंट, और दूसरा पार्ट जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम एंथर। जो भी मेल पार्ट बनते हैं, जो मेल गैमिट बनते हैं, वो सारे इस एंथर के अंदर ही बनते हैं। जो फ्लामेंट है उसका काम सिर्फ इतना है कि इसको जोड़े रखे किसके साथ, थैलेमस के साथ, ठीक है। अब शुरू करते हैं अब आगे का खेल, की स्टेमन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं। देखिए, जो स्टेमन है जो अभी मैंने यहाँ बनाया है, एक तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, और एक पीछे से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ झांक रहा है इसमें से, तो एक्चुअली ये एक ही
सॉरी एक ही स्टेमन के पार्ट हैं, और इसमें हम बोलते हैं इसको ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक लोब ये हो गया फर्स्ट लोब, और एक लोब ये हो गया जो पीछे आ रहा है एक लोब। दो लोब एक एंथर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एक एंथर जो होता है दैट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। टू पार्ट है स्टेमन के, फिलामेंट एंड एंथर, जो कि ये नीचे डंडी जैसा पार्ट है इसको फिलामेंट बोलते हैं, स्टाल्क भी हम बोलते हैं, और ऊपर जो है ये है हमारे एंथर। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये पीछे से आ रहा है ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब हर एक एंथर का हर एक लोब जो है वो डिवाइडेड होता है कैसे, कुछ इस तरह से एक बीच में ग्रूव डेवलप हो जाती है इनके, जिसकी वजह से एक लोब दो पार्ट्स में बट जाता है, और हर लोब का एक पार्ट बोला जाता है ठीका। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं यहां निकाल लूं अगर एक लोब को, कुछ इस तरह से एक लोब को मैंने यहां निकाला, तो क्या हुआ इसके बीचों बीच एक इस तरह से ग्रूव डेवलप हो गई, और इससे क्या हुआ एक लोब खुद दो पार्ट्स में बट गया, जिसके एक लोब को हम बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं ठीका। तो कितने ठीके देखने के लिए मिलते हैं, एक लोब में दो ठीके होते हैं, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं कि ईच लोब इज ए डाइथीकस स्ट्रक्चर। ओके, ईच लोब, नो कि ना कि ईच एंथर। अगर ईच एंथर है तो उसमें चार ठीकास हैं, बट ईच लोब इज अ डाइथीकस स्ट्रक्चर, हर लोब में दो ठीके हैं। समझ में आई बात यहां तक, कोई दिक्कत इसको भी थोड़ा सा हम कलरफुल बना देते हैं। ताकि आप लोगों को जब देखने में आसानी रहे इसको कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ से निकल रही है और क्या है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ठीका कौन सी स्ट्रक्चर है, लोब कौन सी स्ट्रक्चर है। इस चीज को एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जो एंथर है उसमें दो लोब होते हैं, इसलिए दैट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड हर लोब में दो ठीके होते हैं, इसलिए हर एक लोब जो है दैट इज अ डाइथीकस स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ज्यादा ही इंक का कलर लो हो गया है, वन सेकेंड वेट। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगर देखिए ये एक आपका क्या है, एक लोब है, ऐसे ही कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, तो मतलब कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर या कहीं पीछे भी होगी जो झांक रही होगी। अगर अब मैं इसका एक सेक्शनल व्यू देखने लगूं, किसका, स्टेमन का, मतलब सेक्शनल व्यू मैंने क्या किया इसको यहां से काट दिया, ऊपर से काट दिया, और मैं चाह रही हूं इसमें ऊपर से झांकू तो ये अलग होके कुछ मुझे इस तरह से दिखाई देंगे। ये मेरा हो गया एक लोब, ठीक है, जो मैंने इसको ऊपर से काटा है, मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऊपर से झांक रही हूं इसके अंदर, एक लोब है ये, बीच का ग्रूव इसमें है, दो लोब्स के बीच का ग्रूव, ना कि दो थीकास के बीच का ग्रूव, और एक लोब आ जाता है फिर मेरा इधर से। ठीक है, क्योंकि हर एक लोब में कितने वो होते हैं थीकास, दो थीकास होते हैं, तो आगे भी स्ट्रक्चर बढ़ जाती है कैसे, यहां ऐसे कि एक ग्रूव ये प्रेजेंट है एक ग्रूव ये प्रेजेंट है, तो कितने पोर्शन में हो गई हमारी ये। अब मैं इसे ऊपर से झांक रही हूं तो एक हमारा लोब ये है, वन लोब, टू लोब, और ये जो है ये हमारे आ जाते हैं थीकास, वन थीका, टू थीका, थ्री थीका एंड फोर थीकास, चार हमारे हो गए थीकास। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारी कहीं नीचे तक इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये सेक्शनल व्यू अगर हम काटते हैं तो इस तरह का हमें देखने के लिए मिलता है। अब हर जो ये थीका हमने काटा, अब ऐसा तो है नहीं अंदर से खाली है, कोई खोखली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होने हैं, तो कुछ तो इसमें खास बात होगी। तो इसमें हमारी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भरी हुई है माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ देखिए आप, लिखा हुआ है कि फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, चार, एक यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, एक,
दो, जो सेक्शनल व्यू मैं अलग से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो सेम सेक्शनल व्यू है इस डायग्राम में, कि ऊपर से हम अगर देखें चार को, मैंने स्ट्रक्चर को जब कट किया तो चार हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि हर एक ठीके में एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, क्योंकि चार ठीके हैं एक एंथर के अंदर, तो हर एक ठीके में एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ही वो स्ट्रक्चर हैं जो कि मैच्योर होके पोलन सैक बनाते हैं, और पोलन सैक किस में डेवलप होता है, पोलन ग्रेन्स में डेवलप होता है, पोलन्स में डेवलप होता है, जो कि मेल गैमिटोफाइट है एक्चुअली में। MSP माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, इस डायग्राम से देखिए आप, ये एक एंथर है, ओके, फुल एंथर, तो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन आपका हो जाता है, देखिए एक लोब, वन लोब, पीछे वाला ये वाला पोर्शन है, ये है दूसरा लोब। अब हर एक लोब के बीच में क्या है, ग्रूव बनी हुई है जो उसको थीकास में बांटती है, तो ये क्या हो गए, एक लोब के दो थीकास हो गए, और इस तरह से एक ग्रूव यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है जो इसको अलग अलग थीकास में बांटती है, ये आपके दो अलग थीकास हो गए, एक आपके दूसरे लोब के दो थीकास हो गए। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, और आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दिखाया आपको यहाँ पर माइक्रो स्पोरेंजिया दिखाया, एक अगर मैं निकाल लेती हूँ बाहर तो उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, सिंगुलर के लिए माइक्रो स्पोरेंजियम टर्म है, एंड जब कलेक्टिवली चारों की बात कर रहे हैं हम तो दैट इज माइक्रो स्पोरेंजिया। ओके, यहाँ मैं डेवलप कर रही हूँ, ड्रॉ करती हूँ थोड़ा बड़ा डायग्राम ताकि हम आसानी से समझ सकें इसको, कुछ इस तरह से। सेक्शनल व्यू हमने काटा हुआ है और हम देख रहे हैं इसके अंदर झांक के, किसके, हमारे एंथर के, कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। चार हमने बनाए हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बन गए हमारे माइक्रो स्पोरेंजियम। ओके, अब ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम है, जब ये मैच्योर होने की तरफ हो जाते हैं तो इनके अंदर एक हमारा टिश्यू भर जाता है स्पेशल टाइप का, जिसको हम बोलते हैं स्पोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे जो टिश्यू भरा हुआ है दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। एक हमने आपको यहाँ पर अलग से दिखा दिया एंथर का व्यू, जिसमें चार आपकी क्या है प्रेजेंट है, ये है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, और इनके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है दैट इज स्पोरो जीनस टिश्यू। चलिए बना लेते हैं, स्पोरो जीनस टिश्यू भर देते हैं इसके अंदर। टिश्यू ये हमने फिल कर दिया स्पोरोजीनस टिश्यू, चारों ही माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये टिश्यू भरा रहेगा, एक के अंदर ही नहीं चारों के अंदर। टिश्यू क्या होता है, हम लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं कि टिश्यू होते क्या हैं, आप मुझे ये बताइए, तो बताइए आप टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं यूनिसेलर, फिर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बना दी है इसमें। इसी तरह से हर एक टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू है और ये जो हमारी सेल्स हैं सारी, इनके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नंबर में होती हैं हमारी चार। सबसे पास वाली लेयर ये होती है टैपेटा, दिस इज टैपेटा।
टैपेटम प्रॉपर्टी है कि हर एक सेल बाई न्यूक्लिएटेड है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। टैपेटम के अलावा तीन और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टैपेटम तो ये वाली हो गई जो मैंने अभी बताया है, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाली बिल्कुल पास वाली सेल। इसके बाद एपिडर्मिश, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बहुत सारी लेयर्स हैं जिनको हमने कलेक्टिवली बोल दिया कि मिडिल लेयर प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये क्या क्या हुआ है कि एक सेक्शन ये वाला यहाँ से काट के बाहर निकाल लिया और उसको दिखाया हुआ है। तो अभी हम अपने ही डायग्राम में लेयर्स डाल देते हैं। ये हो गई टैपेटम, जो आउटर बिल्कुल लेयर होगी दैट इज इपीडर्मिश। यहाँ जाकर इपीडर्मिश के नीचे कुछ थोड़ी बड़ी सेल्स की स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलेंगे हम एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के बाद कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसको कलेक्टिवली बोल देते हैं दीज आर मिडिल लेयर्स। अलग अलग नाम इनके याद रखने की जरूरत नहीं है, मिडिल लेयर्स ही काफी है। ठीक है, अब ये जो देखिए खास बात क्या है, ये लेयर्स की फंक्शनिंग क्या है, जो ये टैपेटम है ये होती है नरिशमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। टैपेटम का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो ये अंदर आपकी डेवलपिंग सेल्स हैं, जो मैच्योर पोलन होगा यहाँ पर उसको नरिशमेंट कौन देगी, टैपेटम देगी। इपीडर्मिश, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये सारी कलेक्टिवली प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। प्रोटेक्टिव लेयर है मतलब इनका काम है इसको अंदर जो बन रहा है ये मेल गैमिट, इसको प्रोटेक्ट करना। और बाद में क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा गैमिट, तो इनका सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये थोड़ी फटी फटी सी कंडीशन में हो जाएंगे और फाइनली फट जाएंगे और आपके पोलन ग्रेन्स को यहाँ से रिमूव कर देंगी। लेकिन जब तक पोलन डेवलप हो रहा है तब तक इनका काम है यहाँ पर प्रेजेंट रहना, साथ ही साथ टैपेटम जो नरिशमेंट दे रही है उसको अंदर डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट है उसको, इन सब की एक तरह से रक्षा करना। ठीक है, यही चीजें इस आपको स्लाइड में देखने के लिए मिलेंगी कि जो चारों लेयर हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए और फंक्शन। टैपेटम क्या है, नरिशमेंट, नरिशमेंट है टैपेटम का फंक्शन, और सब प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। समझ में आया है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, जो भी क्वेश्चंस के डाउट है इस वीडियो में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या कोई भी मैंने लाइन इधर उधर करती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया स्पोरोजिनस जो टिश्यू है यहाँ पर बहुत सारी सेल्स भी प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लिएटेड है ऑब्वियसली, और हर एक सेल को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और एमएमसी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होगा। यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई, तीन चीजें हुई हमारी इसमें अब तक। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, एक बेसिक सा व्यू लिया, स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी होती हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम मूव किए स्टेमन, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिया कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या किस तरह से लोब्स हैं, किस तरीके से थीकाज हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़े माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने यहाँ एक सेक्शनल व्यू डेवलप किया, एंथर को काट दिया, ऊपर से हम झांक के देख रहे हैं कि अंदर है क्या, और हमने देखा उसमें कि कुछ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होना है मेल गैमेटोफाइट जिसको हम पोलन बोलते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या माइक्रोस्पोर होते हैं आपके पोलन्स, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, जो पोलन ग्रेन बनने का प्रोसेस होता है पूरा पीएमसी पोलन मदर सेल से, या दूसरा नाम मैंने अभी अभी बताया है एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब वो सेल कहाँ से बनेगी, वो बनेगी यहाँ से। ये जो अभी हमने टिश्यू लिया है इसमें मैंने अभी बताया है आपको पीएमसी सेल प्रेजेंट है, एमएमसी सेल प्रेजेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे अभी और इससे आगे का काम करवाएंगे। ठीक है, जरा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं आपका स्पोरो जीनस टिश्यू को। ठीक है, चलिए जी,
स्पोरोजिनस टिश्यू हमने बाहर निकाला, क्या प्रेजेंट है अंदर? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं पीएमसी या एमएमसी सेल, और फॉर्मेशन ऑफ पोलन या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सब न्यूक्लिएटेड है। ये हमारा टिश्यू हो गया, ये हमारी सेल्स हो गई। अब हम बना रहे हैं पोलन यहां पर, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से एक सेल को निकाला, बाहर आ गई सेल। प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, सेल की क्या प्रॉपर्टी है? तो जी, इसके जो न्यूक्लियस है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है 2n, मदर सेल है 2n नंबर रहेगा। और जब भी गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट बने, फीमेल गैमिट बने, तो हमारा कौन सा ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जो उस जगह होता है? दैट इज मियोसिस। पढ़ते हैं हम सेल डिवीजन में कि माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स में, जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जो हमें क्रोमोसोम नंबर सेम रखना होता है, और मियोसिस होता है उन सेल्स में, उन सेल्स की प्रॉपर्टी है जहां पे हमें क्रोमोसोम नंबर आधा करना होता है। तो हमारे जो गैमिट्स हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा हैप्लोइड रह जाता है, आधा रह जाता है, इसलिए हमारा मियोसिस डिवीजन हमेशा गैमिट्स में होता है। याद रखना इस बात को, गैमेट्स में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। पहले इक्वेशनल होगा फिर रिडक्शनल होगा, ठीक है। मियोसिस की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन रह जाता है, 2n से हैप्लोइड हो जाता है। दूसरा, चार गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब एक हमने सेल को बाहर निकाला जिसका क्रोमोसोम कंटेंट है 2n, इसको हम बोलते हैं एमएमसी सेल और पीएमसी सेल। अब इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ? डिवीजन हुआ मियोसिस। मियोसिस के बाद हमारी चार सेल्स बनी, लेकिन उन चारों सेलों की बात ये रही खास कि वो चारों सेल अटैच्ड थी, वो चारों सेल अलग नहीं हुई, वो चारों सेल अभी भी जुड़ी हुई हैं इस तरह से, और हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर एन है। और जो ये स्ट्रक्चर बनी हमने इसको बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, एक बार अब फिर से देख लेते हैं, बेसिक सब यू ले लेते हैं। स्पोरोपोलिनिन टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट था आपका? माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट था। उसकी एक सेल, हर एक सेल पीएमसी है, हर एक सेल कैपेबल है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना पाए। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड है जो आगे चलकर पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे देखने के लिए मिलेंगे आपको, सबसे पहले तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है यही पता होना चाहिए। सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिव्स चार दे दिए जाएं कि विच पूछ लिया जाए कि आर करेक्ट, मतलब कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनका फंक्शनिंग क्या है। जब आप डिटेल किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, स्पेशली क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ अगर आप पहले ही हर एक टर्म्स से नोन होंगे कि क्या टर्म है ये, आपको पता होगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा चीज़ को, और समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। बनाए हमने पीएमसी सेल तक देखी कि क्या है, कहाँ से पोलन बन रहे हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये कहाँ पड़े हुए हैं, सारे सारा जो हमारा स्पोरोजेनिस टिश्यू है, जो माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर अब ये सारे टेट्राड पड़े हुए हैं। सारी जो पीएमसी सेल्स हैं, एमएमसी सेल्स हैं, उनमें क्या हो गया, टेट्राड बन गए, मियोसिस हो गया, क्रोमोसोम नंबर एन रह गया, हैप्लोइड रह गया, ठीक है, सारे टेट्राड बन गए। अब हर एक सेल में क्या होगा, अब होगा यहाँ पर माइटोसिस, वो वाला डिविजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम, हर एक सेल में माइटोसिस रहेगा, तब जाके सेल अलग होगी और जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगी सेल की कुछ इस तरह की मिलेगी। सेल ही अंदर डिवाइड हो जाएगी एक ही, ठीक है, आउटर कवरिंग हो गई, एक सेल के अंदर दूसरी सेल तैर रही है कुछ इस तरह से, एक सेल ये हो गई,
माइटोसिस की प्रॉपर्टी क्या है, कितनी सेल बनती है, एक मदर सेल डिवाइड होके कितनी सेल बनाती है, दो सेल बनाती है। एंड क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है, सेम रहता है जितना कि मदर सेल में होता है। और अब यहाँ मदर सेल में कितना था, क्रोमोसोम नंबर एन था, तो जो इस एन से दो सेल बनी उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, वो भी एन ही रहेगा। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, कितना है क्रोमोसोम नंबर, एन एन है, और यहाँ पर भी एन है। ये वाली सेल है हमारी जनरेटिव सेल, मतलब कि जो जाके आगे सीड बनाएगी, जो फर्टिलाइजेशन में जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, गैमेट पढ़ रहे हैं, दो गैमेट मिलेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और नई प्रोजेनी जो बनेगी वो इस एम्ब्रियो से बनेगी। तो जनरेटिव सेल वो वाला पार्ट है एक आपके मेल गैमेट का, मेल पोलन ग्रेन का, जो कि जाके फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा, हिस्सा ये भी लेगी दूसरी सेल, इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल, ये दूसरा नाम है ट्यूब सेल। ये बनाएगी आपकी पोलन ट्यूब, कैसे बनाएगी वो पढ़ेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट के बाद में। फिलहाल ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है, ये बना है हमारा पोलन, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है, एक्साइन एंटाइना कुछ जो कवरिंग है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे हमारे स्टेमन, देन माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने बना लिए थे, किस तरह से बने थे, कौन सी सेल से बने थे, ये आप देख सकते हैं, ये एक मैच्योर आपका माइक्रोस्पोर है। ठीक है, मैच्योर आपके क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसमें पोलन बन चुके हैं और अभी ये डाइसेंस के बाद, फटने के बाद पोलन बाहर रिलीज हो रहे हैं, टेपिटम हट गई और बाहर की जो तीन ये प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ये फट गई और पोलन बाहर आ गए, हवा में उड़ेंगे, अब फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी लोग आपके बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो तीन एग्जाम्स मैंने आपके साथ अभी बताए हैं, GIC है, PGT है एंड TGT है, उन लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में ही उनके इस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।